हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हुशाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट हम लोग आज 35 करेंगे, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के 25 प्लस लाइट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले लगभग 10 दिन हो चुके हैं जिसमें आपको कोई भी वीडियो स्टडी का नहीं मिला है, बट आज से हम खंड शिक्षा अधिकारी और सुपर टेट का एक बार मुझे सिलेबस आपके साथ डिस्कस करना है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को थ्योरी वाइज डिस्कस करते चलेंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ डैम आपको बताना है कौन सी रिवर पर बना हुआ है। तो कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर। ऑप्शन सी सही है। अगर आपसे पूछा जाए रामगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो रामगंगा जो है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, या गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा। अब रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में जो बिजनौर जिला है, बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक एक जगह है, वहीं पर प्रवेश कर जाती है ये, और कन्नौज के पास में आकर ये नदी गंगा में मिल जाती है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालागढ़ डैम राम गंगा नदी पर बना हुआ है और राम गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक या कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर नेशनल पार्क दिए हुए हैं और इधर उनकी लोकेशन है या उनके राज्य किस राज्य में स्थित है। यहाँ अगर आप सुंदरवन की बात करें, सुंदरवन का डेल्टा की बात करें, चाहे सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये ऑलरेडी मैच्ड है। अगर हम बात करें भीतरकनिका की, तो भीतरकनिका जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भीतरकनिका वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये, ठीक है। तो ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भीतरकनिका। अगला देखें आप पिचवरम, और पिचवरम की अगर हम बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये पक्षी विहार है एक्चुअली ये, ठीक है। तो ये तीनों तो ऑलरेडी मैच्ड है। अगर हम वेम्बनाथ की बात करें, वेम्बनाथ एक झील है जो कि केरल में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, केरल। नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी इनमें से कौन सी है? तो रामगंगा हमने देखा है, रामगंगा किस तरह से आती है, ये ज्वाइन करती है, ये एक्चुअली पूर्व और ये सॉरी इधर ये पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम से नदी आकर के गंगा को ज्वाइन करती है। तो ये पश्चिम की तरफ नहीं बहती है ये नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा रिवर जो है ये रिवर बहने वाली कहाँ से? पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से होता है। जबलपुर के पश्चिम में ये नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ विंध्याचल और सतपुड़ा की, इसके बीच से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती है ये नदी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, यानी जल को जो वाटर है वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कौन सी मिट्टी की सबसे कम होती है? तो मिट्टी एक्चुअली ये जो ऑप्शंस में दिए हैं ये मिट्टी के कण हैं, ये पार्टिकल हैं। तो मिट्टी के कण को अगर हम देखें तो मिट्टी को जो है उनके कणों के आधार पर मिट्टी को चार प्रकार में बांटा जाता है। पहला है जैसे चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी है, ये चार प्रकार है। और जिस प्रकार की मिट्टी के कण जो है बड़े आकार के होते हैं उनमें जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है। तो इसमें जो मोटी बालू है, अगर ऑप्शन देखें इसमें, तो इसमें ऑप्शन देखिए दोमट मिट्टी जो है इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज सबसे ज्यादा होता है इन चारों प्रकार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर विहित वृत्त नहीं बनाती है? तो आपको बताना है ग्रेट सर्कल इनमें से कौन सी लाइन फॉर्म नहीं करती है। आप जानते हैं कि अर्थ है और ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी पर विहित यानी ग्रेट सर्कल बनाती है, तो विषुवत रेखा तो बनाती है, यहाँ बताना जो नहीं बनाती है। मुख्य देशांतर रेखा की बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है,
ये इसके पीछे 180 डिग्री का जाता है, तो ये भी एक विहित वृत्त फॉर्म कर लेती है। मुख्य देशांतर रेखा भी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर आएगा आपका, इधर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये क्या है, बाकी जो देशांतर होंगे 0 डिग्री के अलावा या मुख्य देशांतर रेखा के अलावा, ये सब अर्धवृत्त बनाते हैं, हाफ सर्किल ही बनाते हैं, या सेमी सर्कल आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश इस तरह से होते हैं, ये लघु वृत्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये सबसे बड़ा वृत्त यही होता है सर्किल, ग्रेट सर्किल, उसके बाद ये छोटे सर्किल होते चले जाते हैं। तो अगर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये हाफ सर्किल या सेमी सर्किल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण या सॉल्ट सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि जो महासागर या सागर होते हैं, है ना, ओशंस होते हैं, उनकी औसत लवणता, जो एवरेज उनकी सैलिनिटी होती है, वो कितने परसेंट होती है। तो याद रखेंगे इसको, ये 35% जो है इनकी औसत लवणता होती है। तो सागरीय जल में जो लवण पाए जाते हैं, जो साल्ट पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है 27%, लगभग 27.21% होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है, 3 लगभग 4% होता है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। तो याद रखेंगे ये ऑर्डर, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है महासागरों में, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश चाइना है, या प्रथम स्थान पे कौन सा है, चाइना है। इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ बदल दें कि दूसरा सबसे बड़ा देश गेहूं और चावल उत्पादन में विश्व का कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भारत। ये सेकंड पोजीशन पर आता है इन दोनों में ही। पहली पोजीशन पर इन दोनों में ही कौन आता है, चाइना आता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस चाइना है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन वर्ल्ड इंडिया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है कौन से आर्टिकल में। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या मीडिया है, ये इसकी मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में ये बताई गई है। तो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 19 है, लेकिन आर्टिकल 19 में भी 1, 2, 3 करके जो क्लॉजेस दिए हैं उसमें से आपको बताना है। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट का जो आ है या ए है, इसमें बताया गया है सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल हो जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आप बात करें, 15 अगस्त 1947 से इनका टर्म शुरू हुआ प्रधानमंत्री का, और 1964 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी थी वो 1966 से 1977 तक, फिर बाद में वो 80 से लेकर के 84 तक रही थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस तरह से जो है ये चारों की अगर हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये एक से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री पदों पर रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल देखें। भारत के योजना आयोग का सृजन किया गया है। जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया का, योजना आयोग जिसको बदलकर अब नीति आयोग कर दिया है, इसको किस तरह से बनाया गया। संविधान के अंतर्गत बनाया गया था इसको, नहीं, या संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, बिल्कुल भी नहीं। ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसको बना दिया गया था। सीधे सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके रेजोल्यूशन पास किया और इसको क्रिएट कर दिया, और एक रेजोल्यूशन से इसको ख़त्म भी किया जा सकता था, जो कर दिया था, यानी इसको एक प्रस्ताव पारित करके इसको इसको बदल करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत के जो एरियाज होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनका निर्धारण राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है, ये राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत पूछा जाता है इसको।
राज्य वित्त आयोग जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसका गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो संविधान का आर्टिकल नंबर 243 है ये। 243 में बहुत सारे क्लोजेज हैं और क्लोजेज आपको पहचानने हैं। तो आर्टिकल 243 आई के अकॉर्डिंग, या हिंदी में इसको ये झा नंबर पे आएगा, का खा गा करके चलेंगे आप तो झा पर। तो अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आकाश के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है, स्काई का रंग आप देखते हैं नीला दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट बताना है क्या ये सही है। तो हम देखते हैं जो एटमॉस्फियर है, हमारा एटमॉस्फियर है, वायुमंडल में बहुत सारे जलवाष्प है, जैसे कि वाटर वेपर होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य से आने वाली जो तरंगें होती हैं, इन कणों से होकर गुजरती हैं पार्टिकल्स से, तो इनकी तरंग दैर्ध्य जो है एक तरीके से ये चारों तरफ इन सभी पार्टिकल्स से टकराती हुई निकलती है, जिसकी वजह से जो है इसमें जो आसमानी और बैंगनी रंग है इनका जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ये तो सही है, ये इसका रीज़न ठीक है। इंद्रधनुष के सात रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये नहीं, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जो इंद्रधनुष है वो सात रंगों में हमें दिखाई देता है। सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो एक और दो जो है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं, डिस्कस करेंगे इनको साइंस में अच्छे से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देखिए 1 और 3 इसका सही है। साइंस शुरुआत करेंगे, साइंस के हम पढ़ना सुपर टेट के लिए, तो वहाँ से आप कंप्लीट करते चलोगे। सारे इफेक्ट हम जो है इनकी डिटेल पढ़ेंगे, क्यों क्या हो रहा है, ऐसा किस तरह से पूरा प्रोसेस समझेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु यहाँ पर न्यूट्रॉनों की, यहाँ पर करेंगे परंतु न्यूट्रॉनों की, ये न्यूट्रॉन है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स, इन्हीं को ही हम बोलेंगे क्या? समस्थानिक। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। आप निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? एक्स किरणों की खोज की गई थी 1895 में रॉयंटजन के द्वारा। ऑप्शन बी सही है, जिसके लिए इनको दिया गया था नोबल प्राइज़। नेक्स्ट सवाल। अधूरे प्रजनन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? अच्छा सवाल है ये। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का जो परमाणु है जब पूरा जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन जब कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन की कम मात्रा में अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड या सी ऑप्शन में सही रहेगा। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की वजह से होता है। तो ये थे सर रोनाल्ड रोस, इन्होंने ही पता लगाया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है, इसकी वजह से ये रोग होता है। अगला सवाल देखें। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? ये एक्चुअली होती है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दूध के खराब होने का क्या कारण होता है? तो दूध के खराब होने का कारण एक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल देखेंगे। लाल रक्त कणिकाओं में जो आरबीसीज या रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इनका रंग लाल किसकी वजह से होता है? ये होती हैं हीमोग्लोबिन के कारण। और नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ये होते हैं फंगस या फंजाई, आप कह सकते हैं फफूंद के एग्जाम्पल हैं ये। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अभी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये मिलकर गंगा कहलाती हैं, कहाँ पर मिलती हैं ये नदियाँ? देवप्रयाग में आकर के ये मिल जाती हैं, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल ये रहेगा आपका। उत्तराखंड में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? एक्चुअली जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क है आप कह सकते हैं, और ये हमारे देश का भी पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसको बनाया गया था। तो ये बहुत लाइट क्वेश्चन हमने लिए हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। अगले मॉक टेस्ट में हम लेवल को जो है अपने बढ़ा देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और थ्योरी के लिए तैयार हो जाइए। सुपर टेट के लिए भी हम जो
जो है अभी से ही शुरुआत कर देंगे। और लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइंस आ गई हैं, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा लॉकडाउन, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।